टूट गया शिवानी कुमारी का बिग बॉस जीतने का सपना। पहले ही हफ्ते में शिवानी के साथ हो गया बड़ा खेला। शिवानी की एक गलती शिवानी के सपने पर पड़ गया भारी। फैंस को लगा बड़ा झटका, क्या अब दोबारा गांव लौट जाएंगी शिवानी। आखिरी वक्त में शिवानी के फैंस ने पलट दी बाजी, शिवानी को नहीं थी उम्मीद। आप भी हैं फैंस तो वीडियो में समझें पूरी बात। बिग बॉस ने अपना खेल शुरू कर दिया है, वो इस बार नहीं खेल रहे हैं मगर घर वालों को जरूर अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। बिग बॉस OTT3 में 24 जून के एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ था, इसमें सभी को लिविंग एरिया में बुलाया गया और दो दो नाम देने को बोले गए। हालांकि ये सार्वजनिक नहीं था। अब इस दौरान दो लोग नॉमिनेट हो गए, एक नीरज गोयल जो बॉक्सर है और दूसरी शिवानी कुमारी जो एक ब्लॉगर है। अब खबर आ रही है कि इन दोनों में से बिग बॉस ने पहले एविएक्शन में एक बड़े कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो शिवानी कुमारी है या फिर नीरज गोयल, चलिए वीडियो में आपको आगे बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉमिनेशन टास्क के बाद बिग बॉस ने शिवानी और नीरज के लिए वोटिंग लाइंस दर्शकों के लिए खोल दी थी। ये वोटिंग लाइंस आज दोपहर 2 बजे तक ही ओपन की गई थी। वोटिंग लाइंस के बंद होने के बाद बिग बॉस ने घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाया और मिड वीक एविएक्शन की खबर दी। बिग बॉस ने वोटिंग लाइंस खोलने के बाद भी मिड वीक एविएक्शन का निर्णय घर वालों के हाथ में सौंपा। ऐसे में घर वालों ने शिवानी को सेफ किया और नीरज को घर से बेघर कर दिया। हालांकि बीता एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे दीपक चौरसिया और अरमान मलिक की लड़ाई हुई थी। इस दौरान शिवानी बेवजह दूसरे के फटे में टांग अड़ाती दिखाई दी थी। उन्होंने दीपक चौरसिया का साथ दिया था और चीखम चिल्ली करने लगी थी, जिसे देखने के बाद लोगों ने यही कहा था कि नॉमिनेट हुई है इसलिए दिखने के लिए ऐसा कर रही है। और यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया कि लगा शिवानी की ये गलती उन पर भारी पड़ने वाली है। इसके साथ ही शिवानी को घर में रहना है या उन्हें जाना पड़ेगा, इसका फैसला भी वोटिंग के रूप में दर्शकों और बिग बॉस के घर में मौजूद लोगों के हाथों में था। लगा कि अब तो शिवानी का बिग बॉस जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। फिलहाल फैंस ने शिवानी को बचा लिया है और शिवानी के फैंस ने शिवानी के पक्ष में भर भर कर वोटिंग की है। इसके साथ ही बिग बॉस ने भी शिवानी को शो में आगे कंटिन्यू करने का रास्ता साफ कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर मिड वीक एविएक्शन अगर पहले ही हफ्ते में हुआ है तो फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है शो में। दरअसल इस बात को इस तरह से आप समझिए कि घर में 16 लोग हैं और 1.25 महीने यानी कि 45 दिन ये शो चलता है। इन 45 दिन में 6 वीकेंड आएंगे और अगर हर हफ्ते में एक एक लोग निकाले जाए तो फिनाले में 10 लोग पहुंचेंगे। इसलिए मेकर्स मिड वीक या फिर डबल एविएक्शन का सहारा ले रहे हैं जो कि इस शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। वेल, इस बार तो फिलहाल शिवानी बच गई हैं, लेकिन जिस तरह से शिवानी शो में एफर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, उसे देखने के बाद आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या शिवानी ये रियलिटी शो जीत पाएंगी या फिर बिग बॉस OTT सीजन 3 का खिताब कोई और अपने नाम करेगा? किस कंटेस्टेंट को आप जीतता हुआ देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।